अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक एलईडी है जिसका फ्रेम हम आपको दिखाएंगे और ये इसकी फिटिंग के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अब एलसीडी का फ्रेम निकालेंगे। ये देखें, ये एलसीडी का फ्रेम है, निकालेंगे। इसमें चार अदद नट बोल्ट होंगे, नट होंगे जो एलसीडी पे फिक्स होंगे। पूरा निकालें, ये देखें, ये जो नट है हमारे पास, ऐसे चार नट होंगे, ठीक है। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। आजकल ऐसा होता है कि नट वगैरह थोड़े से बड़े आ जाते हैं या छोटे आ जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, तो उसके भी हम तरीक़ेकार समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखें ये इतना गैप आ गया, तो इस गैप को फील करने के लिए हम अल्ट्रेशन करेंगे, टेप की पैकिंग बनाएंगे। जो हम टेप की पैकिंग बनाना आपको बताएंगे। ये हमारे पास टेप है, ठीक है। इस टेप को हम लोगों ने ऐसे ऐसे टेप थी, हमने 2 इंची 3 इंची टेप काटी और इस तरीके से बैंड कर दी, ठीक है। अब हम इस नट को दोबारा खोलेंगे, सॉरी, अब देखेंगे हम इसकी फिटिंग। देखें, ये टेप की पैकिंग होती है, एक साइड पे टेप होती है। अब जब हम इसको दोबारा घुमाएंगे, देखें इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये टेप एक किस्म का पैकिंग का काम करेगी और इस तरीके से लूजिंग इसको ख़त्म कर देगी। सेम इसी तरीके से हमने इन तीनों की भी इसी तरीके से बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसकी फिटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, ऊपर की तरफ ये कट आता है, ये हमेशा टीवी के ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि यहाँ से ये हैंग हो जाता है। अब स्क्रू टाइट करेंगे, देखेंगे यहाँ सेटिंग हो गई। जब भी स्क्रू लगाएं सबसे पहले इस पोजीशन पे आप लगाएं और दोनों नटों को देख लें। अब देखें, हम पहले चूड़ी हल्के हाथ से टाइट करें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये प्लास्टिक बॉडी होती है, इस पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं किया जाता, वरना ये टूट जाएगा और आपका एलसीडी बेकार हो जाएगा। बेकार से मुराद ये, फिर शॉप पे जाएगा, इसकी कैसिंग चेंज होगी। कैसिंग से मुराद ये हिस्सा होता है जिसमें फिक्सिंग होती है, इसको कैसिंग कहते हैं। हल्के हाथ से हम चारों नटों को टाइट कर देंगे। ख्याल रखें कि टेप ना निकले, हाथ की मदद से टाइट करें। एंड में हम पेचकस से टाइट करेंगे। अब हम दूसरी सोनी कंपनी का टीवी है, सोनी कंपनी, ठीक है। हॉल देखेंगे, बैठ गए, इस साइड से भी हम इसकी पैकिंग को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा यहाँ पे जितने गैप पे आप एक को फ्रेम को लगाएंगे उतने पे दूसरे को लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 होल हमने छोड़ दिए, इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी छोड़ेंगे। 1 2 3 4 चौथे पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इससे बैलेंस हो जाता है। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर कहेंगे ये हुक वाली जगह जो होती है, लॉक वाली जगह, ये हमेशा ऊपर आती है, ठीक है, और अनलॉक वाली जगह जो बिल्कुल रफ होती है वो जगह नीचे आती है। ये जो हमारा एलसीडी हम फिट कर रहे हैं, ये जो हमारी फ्रेम की कैसिंग है, ये लिखा होंगे वॉल माउंटिंग ब्रैकेट, ठीक है। 32 इंच से लेके एलईडी 46 इंच तक ये फिट होती है, 40 इंच तक, 32 से 40 इंच के टीवी के लिए बेहतरीन है। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। फिर कहूँगा नहायत एहतियात से टाइट किया करें। इसमें जो चूड़ियाँ होती हैं जिस पे फिट होता है, ये अंदर तो लोहे की ब्रास की होती है, लेकिन ये बॉडी क्योंकि प्लास्टिक की है, नहायत एहतियात से टाइट करना चाहिए। हम जूम करीब करेंगे, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगेगा। देखें जो गैप था, अब हम आपको दिखाएंगे कि गैप किस कदर फिल कर दिया। देखें, टेप ने उसको आके अच्छी पोजीशन में कर दिया। सेम इस तरीके से, इससे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। गर्ज ये, पॉइंट ये, बात ये है कि फ्रेम लूज़ नहीं होना चाहिए जिस पर एंगल कर रहे हैं, हम ज़्यादा टाइट नहीं कर रहे थे। देखें, ऊपर नीचे कर रहे हैं, हिला रहे हैं इसको आगे पीछे, सही है। और ये इस तरीके से फिर हम दीवार के अंदर जाएंगे जहाँ हम लोग फिट करेंगे, वहाँ पे हम मार्कर की, पेन की, पेंसिल के, किसी भी चीज़ की मदद से हम इस पर निशान लगाएंगे। जैसे दीवार है, ये हम फिट करेंगे जिस हाइट पे, 1 2 3 4 इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे।
ठीक है दोस्तों। अच्छा ये यहाँ पे आके टीवी हमारा इस तरीके से बैठेगा, ठीक है, ये देखें ये लॉक हो गया। ये इसलिए होता है कि हम टीवी आगे पीछे सरकाएं तो यहाँ आकर रुक जाए, अगर दूसरे हाथ की तरफ सरकाएंगे तो यहाँ आकर रुक जाए, ठीक है दोस्तों। टीवी हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर देंगे, LCD टीवी है, आगे की तरफ चलते हैं जी दोस्तों। तो ये मैंने ड्रिल से होल कर दिए हैं, ये 5 नंबर की बिट है जिसे मैंने होल किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये गिट्टी है जो मैं चारों पे लगा चुका हूँ, 8 नंबर की गिट्टी है, प्लास्टिक की कहलाती है, ये हम यूज कर रहे हैं। 1.5 इंची 10 नंबर का स्क्रू हम यूज कर रहे हैं प्लस वार्शल के साथ। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। देखें सबसे पहले जैसा मैं बता चुका हूँ, हमेशा कोशिश करें कि थोड़े थोड़े नट रख के आप उसको टाइट कर दें, सही है। आप इस चीज को नोट करें, मैं पूरे टाइट नहीं कर रहा क्योंकि अगर यहाँ टाइट कर दिया उसको बिठाने में मसला बनेगा। हमेशा चारों नटों को थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। देखें वाशर लगा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रू तरीके से हम इसको फिट करेंगे। वार्शल लगाने का मकसद ये है कि हमें डाउट खत्म हो जाएगा क्योंकि LED हमारी काफ़ी महंगी है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारी वजह से किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। ये देखें लूज पड़ी है, अभी हम पूरा टाइट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम चारों नट एक एक करके टाइट कर रहे हैं। काम करने का मकसद ये होता है बताने का कि आप भी जब काम करें हल्का सा इसको ठोक देंगे या मंदिर की तरफ, क्योंकि दीवार थोड़ी सी कमजोर लग रही है। नहायत एहतियात से अगर स्क्रू आपका टाइट ना हो रहा हो, मजबूती से जोर लगाने से टाइट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्क्रू घूमता जा रहा है, इसका मतलब है आपकी फिटिंग में थोड़ी दीवार में सही तरीके से नहीं बैठा। देखें दोस्तों ये 4th स्क्रू हम लगा रहे हैं, अगर हम ये सब टाइट कर चुके होते तो ये स्क्रू की सेटिंग नहीं बैठती, इसलिए हम थोड़ा सा लूज रखते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट होते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। ये आप कभी भी घर पे खरीदें, आप अपने आराम से इसको फिट कर सकते हैं। देखें ये थोड़ा सा स्क्रू हमारा मसला कर गया, गिट्टी अंदर की तरफ टूट गई। अब हम इसको टाइट करेंगे थोड़ा सा लूज करके, थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे, हम इस तरफ बिठाएंगे। इस तरफ असल में गैप बड़ा है, इस तरफ छोटा है, तो हम इस तरफ टाइट करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने इसका निकाल दी, अब हम इसको टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों बेहतरीन लग गया, अब हम LCD की फिटिंग करेंगे, LCD देंगे। ठीक है दोस्तों ये देखें 4 नट बेहतरीन लग गए। ये जगह गैप ज़्यादा था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ फिट नहीं किया, वार्शल और ये लग गई, तो स्क्रू अगर यहाँ रखते तो लूज हो सकते थे, इसलिए हमने यहाँ रखे। कोशिश हमारी ये है कि अच्छे से अच्छी काम करें। अब हम इसको LCD को फिटिंग की तरफ लेके जाएं, काफी भारी है, जापानी LCD है, जापान की चीजें वैसे भी माशाल्लाह अच्छी होती है, हमारा चाइना भी अच्छी चीज बनाता है, कोई मटेरियल के हिसाब से चीज बनती है। ठीक है दोस्तों अब हम इसको बाद में कनेक्शन करके फिट कर देंगे। सही दोस्तों, इसके बाद हम इस पर कनेक्शन करेंगे, इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे। ये दीवार में फिटिंग का सीन तरीके का था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।